ब्लेम उनके सर पे चढ़ गया है और बहुत ही अपने आप को झूठा दिखाते हैं कि मैं हिंदुइज्म को सपोर्ट करता हूँ। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी था और अभी भी जो फंसे हैं तो बहुत ही अच्छे फंसे हैं। अगर कुछ गलत ऐसा किया है तो ऑब्वियसली होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, गलत करने वालों के साथ गलत होना ही चाहिए। जब तक एल्विश बिग बॉस में नहीं गया था ऑनेस्टली और भी जितने भी लोग हैं आम जनता सब उसके साइड थी, उसको पसंद करती थी। बिग बॉस में जाने के बाद भी लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन जिस तरीके से वो जीता है, क्योंकि कहते हैं कि यू नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सब कुछ है, तो इस तरीके से जीत, सबको ऐसा लगा कि फिक्स है जीत। उसके बाद मुझे लगता है उसके जितने भी चाहने वाले थे वो थोड़े कम हुए, तो शौक ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हेट्रेड नफरत बढ़ रही थी लोगों की उसके लिए, तो जाहिर था कि आज नहीं तो कल जाना ही है अंदर। जिस तरीके अरेस्ट कोई ऐसे तो होता नहीं है, लाइक उसके खिलाफ वो सारे सबूत मिले हों और जो सप्लाई करता था उसने खुद ये चीज़ बोला है कि हाँ उसके जब लोगों ने रेट की उस तरह से पकड़ने का वो किया तो वो लेके आया ना उसके नाम पे, तो प्रूफ है इसीलिए अरेस्ट हुआ, इसीलिए वो कस्टडी में गया हुआ है 14 डेज के लिए जो भी है। जब से वो बिग बॉस से मतलब वापस आए हैं उन पर ना बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हो गई है। ही इज़ लाइक यूथ के ही हैं वो, तो वो चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हो गई है और वो मुझे ऐसा लगता है कि फेम उनके सर पे चढ़ गया है, सो दैट इज़ द रीज़न वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड लाइमलाइट में आ रहे हैं और फिर अरेस्ट हुए हैं। कुछ तो किया होगा तभी अरेस्ट हुए हैं, ऐसे ही तो कोई नहीं अरेस्ट होता है। तो या एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली उनको यू नो न्यूज़ में रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिसके लिए वो आई थिंक डे वन से ट्राई कर रहे हैं, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सो कॉल फेमस यूट्यूबर बन गए हैं और उनके फैंस भी हैं। वो फैंस क्यों हैं सबको पता है, सारी टीनेजर ग्रुप उनकी फैंस है, बट कोई भी जो यू नो सोफिस्टिकेटेड बंदा है कोई भी उनका फ़ैन नहीं है। आई एम नॉट यू नो डिग्रेडिंग हिम, बट मुझे लगता है वो थोड़ा इंटरनेट को शांति रहेगी 14 दिन के लिए, इतना तो मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ, क्योंकि पहले उन्होंने जब तक वो रहेंगे बाहर इंटरनेट में सिर्फ वही छाए रहेंगे, वही अपनी न्यूज़ क्रिएट करते रहेंगे, पीआर करवाते रहेंगे, वो क्या करते हैं सबको पता है, इट इज़ लाइक फेक पीआर और वॉट एवर। उनको लाइमलाइट का और अटेंशन का इतना शौक है, इतना शौक है, अच्छी बात है आर्टिस्ट हैं तो शौक होना भी चाहिए, लेकिन कई बार ओवरडोज इज़ बैड फॉर यू नो एनीथिंग। एक्चुअली मेरा कहना तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, दैट्स इट। बहुत गलत असर हो रहा है क्योंकि इनसे लोग सीख रहे हैं, इनके सारे शोज देख के सीख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो ये एब्सोल्युटली हो रहा है क्योंकि वो एक ऐसा फिगर है जो यंग है, तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो नहीं चाहते हुए भी लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप एक तरफ अगर आइडल बन रहे हैं यू नो बिग बॉस जीतना, उसमें लोग देखते हैं कि जिसका नेचर अच्छा होता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो आप अगर एक पब्लिक फिगर बन गए हैं तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आप ऐसा कोई भी मैसेज इस तरीके से करेंगे तो वो यंग जनरेशन को ख़राब ही करेगा, और जिस तरीके का माहौल चल रहा है स्पेशली। जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हो आपको लोग आइडियल मानते हैं, तो उसमें लोग आपसे अपने आप को देखते हैं आपके अंदर, फिर आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि फिर आप अपने लिए नहीं होते। ठीक है यंगस्टर हो, पार्टीज करो, ये करो, इलीगल काम कोई भी नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपने जो अपना ग्राफ बनाया था, आप यूट्यूबर थे, आपने जिस रेंज में पहुँचे थे वो सारा का सारा नीचे चला गया। आजकल लाइफ में कहाँ किसी के पास इतना टाइम है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो जो इमेज बनाई है उसको मेनटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अभी ही इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल हो गया है वो लोगों के लिए, तो लोग वही सब चीज़ें फॉलो करते हैं कि ड्रग्स एंड पार्टीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो डेफिनेटली क्योंकि वो गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लड़ाई झगड़े वॉयलेंस इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और बहुत ही अपने आप को झूठा दिखाते हैं कि मैं हिंदुइज्म को सपोर्ट करता हूँ। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो पॉजिटिव मतलब कब उनको हिंदुइज्म का सपोर्ट करना है और कब बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देना है, ही नोज दैट वेरी वेल। सी एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि यंग जनरेशन पे, हाँ यंग जनरेशन ज़रूर एडिक्ट हो जाती है, कोई चीज़ उनको इजी गोइंग मिलती है, जैसे आजकल 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल इज़ फेमस, तो वैसे ही उनको कोई चीज़ इंस्टेंट ट्रांस में ले जाता है, पीस दिलाता है, तो यस बिकॉज पीस इज़ समथिंग एवरीवन इज़ सर्चिंग, तो यस इट इज़ इफेक्टिंग यंग जनरेशन। बहुत ही बहुत बहुत गलत, एक्चुअली ही इज़ माई बॉय और ही लाइक एवरी टाइम उसके वीडियो सॉन्ग्स वो देखता रहता है और मैं डांटती रहती हूँ इसको, ऐसा है।
एकदम से ही जस्ट गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू, बट ही इज़ अ 110% टोटली एंड ब्लाइंडली लवर. नहीं, वो सही नहीं थे, बट कहीं ना कहीं गलत भी नहीं थे, क्योंकि वो जो देखेंगे वही सीखेंगे. बिल्कुल सही थे. क्योंकि कहते ना कि आपके जो काम है आप करना शुरू करते हैं, लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है आम पब्लिक का, यू नो, कि यार ये. और आप कितनी भी कोशिश कर ले, वो कितनी भी कोशिश करेगा अपनी, वो इमेज उसकी नहीं, वो दिल से नहीं निकलेगी जो उसको पसंद करते थे. इनफैक्ट मैं भी पसंद करती थी, क्योंकि वो हरियाणा से उसका बैकग्राउंड रहा है और मैं भी हरियाणा से हूँ, तो एक एक कनेक्शन बन जाता है कि यार ये अपने साइड का बंदा है, लोगों का दिल जीत रहा है, और फिर ये इस तरीके का काम करना वो दिल से उतर जाता है. तो उसने अपनी इमेज ख़राब कर ली है कहीं ना कहीं. आइडियल मानते थे तो वो उनकी आइडियोलॉजी वही होगी ना कि हाँ यूट्यूबर है, ऐसे इतना यंगस्टर इसमें किया हुआ है तो उनको भी वैसे ही करना है. बट अभी वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई ना, सब कुछ ख़त्म हो गया. तो वही मेरा कहना है कि अगर आपकी कोई इमेज बनी है तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है. सफलता तो कोई भी पा जाता है, बस उस चीज़ को मेंटेन करना इज टू हार्ड. और वो अभी भी मानेंगे, एक एक इंसान का फ़ैन हमेशा उसका फ़ैन रहता है, चाहे वो सही हो वो गलत हो. जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान है, ही डज थिंग्स बट उसके फैंस है एंड दे विल सपोर्ट, जब वो सही हो वो गलत हो, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एवरीवन हैज़ मिस्टेक्स. तो हाँ, अभी मैं उनको क्रिटिसाइज तो नहीं करूँगी, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि हीरो ऐसे इंसान को तो बनाओ दो जो रियल लाइफ में हीरो हो. एटलीस्ट आप ऐसे इंसान को बना लेते हो हीरो जो विलेन है इन द रियल लाइफ. हाँ, वो तो गलत नहीं है, बिकॉज सी एल्विस यादव में कुछ तो अच्छा ही है ना, जिसकी वजह से उन्होंने उसको हीरो माना था. अब जब उन्होंने गलत किया है तो नाउ देयर माइट बी, इट माइट बी इफेक्टिव सम ऑफ देम. और वो राइट और रॉन्ग को चॉइस, सी एवरी टाइम देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट्स द पर्सपेक्टिव दैट मेक्स इट राइट और रॉन्ग. सो जिनका हीरो था उनके लिए भी एक रियलाइजेशन है, और जिनका हीरो नहीं भी था उन्होंने भी अभी जाना है कि हमें हीरो सोच समझ के, रोल मॉडल सोच समझ के चुनना है. अब जो मानते हैं वो तो सही है, बट मैं नहीं मानती हूँ रियली, मतलब मैं कभी नहीं मानती हूँ. कि इनको जो बोलने का, मतलब यंग जनरेशन को जो भी ये लोग मतलब बताने की कोशिश कर रहे वो सही से बताए या फिर सही कुछ बताए, ऐसा गलत असर ना कि मतलब करे उन पे. मैं वही मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज किसी का नाम है और कोई स्टार है या हर जगह छाया हुआ है, उसको आंख बंद करके फॉलो ना करें. उसके बारे में जो है जाने और यू नो उसकी वीडियोस लोग आजकल सिर्फ सोशल मीडिया को देख के इस कदर पागल हुए पड़े हैं कि किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी आइडल बना रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चल रहा है. हर कोई अपने आप में एक स्टार है. आज आप भी फ़ोन निकालेंगे, कोई भी आम आदमी फ़ोन निकालेगा, वो अपने लिए अपने आप में एक सेलिब्रिटी फील करने लग गया है, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई कैमरा हमें शूट लेके शूट करे, हमारा कैमरा काफ़ी है. तो उन सारे यंगस्टर्स के लिए और जो फॉलोअर्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी बात या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है तो आप उसको आग बंद करके फॉलो ना करें. आप उसकी चीज़ें देखें, उसकी विचार देखें, उसकी सोच देखें, उसके बाद ही उसको फॉलो करें. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी करो फुल ऑन मस्ती करो, लेकिन आप लिमिट में करो, कुछ भी लीगल मत करो. जो भी सही है वो आप करिए, आपकी लाइफ है, आपका काम है, आप जो चाहे करो, लेकिन इस तरह का कुछ भी गलत मत करो कि बाद में आपको उसका कुछ पे करना पड़े. इस तरह से मैसेज ये होगा कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी आजकल फ़ोन्स होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है. प्लीज़ यूज़ योर पावर वाइजली, ऐसे ही आप कुछ भी मत करो, बस यही होगा. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आजकल की यूथ पे, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो पढ़ाई लिखाई और चीज़ों में अपने करियर पे फोकस ना करके वो उसके डेली लाइफ व्लॉगिंग देख रहे हैं, जिस डेली लाइफ व्लॉगिंग में वो कुछ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यू नो फैमिली से मिल रहे हैं, गाड़ियाँ नई नई ला के दिखा रहे हैं. और वही ऑडियंस देख देख के इंस्पायर होती है कि हम ऐसे खरीद लेंगे गाड़ी उनकी तरह, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास या जैसी भी फैमिली से आते हैं, दैट आई डोंट नो ऑब्वियसली, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट वो जैसी भी से आते हैं वो बहुत ही इम्पैक्ट बहुत न्यू जनरेशन को गलत दे रहे हैं. सो लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी कोई भी एक सोफेस्टिकेटेड बहुत ही एजुकेटेड इंसान या नहीं है, मतलब उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सारी एक टीनेजर ग्रुप या जो ग्रोइंग बच्चे हैं वही हैं.
मैसेज यही है कि आप अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो कुछ अच्छा करो, ना कि ऐसा कुछ बुरा करो कि दूसरों पे इम्पैक्ट हो, दूसरे कुछ उसको लेके आपको फॉलो कर रहे हैं जस्ट लाइक अ किड। जैसे कि मेरा ही बेटा है, मैं इसी को एग्जांपल दूंगी, बाकी और किसी को नहीं। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छा फॉलो करेंगे, ऐसा है। मैं तो देखती हूँ कि लोग ये जो भी बड़े सिंगर हैं उनके जैसा बनना चाहें ना, कुमार शानू हो गए या जो भी हैं, अगर फीमेल में हो गई अनुराधा पौडवाल हैं, अलका याग्निक हैं, वैसे ही बनो ना, ना कि ये इस टाइप के सॉन्ग जो गाते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। अगर किया है तो गलत है, और मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है और क्यों किया है, और अगर मतलब किया भी है तो इस पर क्या मतलब ऐसा होना चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सही चीज़ उनको, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लोग जानते हैं, तो देख के बच्चे आजकल के फॉलो करते कि ये ऐसे करना है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वही कहता ना कि एक पॉलिटिक्स में और भी लोग हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों का वैसा बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन आप चूज़ करते हो कि आपको क्या रास्ता चुनना है, और आजकल सबको ईजी सक्सेस और ईजी वो सब चाहिए, तो उसके चक्कर में तो फिर गलत रास्ते पर जाते हैं लोग। हाँ, तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल उसमें वो करते रहते हैं, कहते नहीं है कि बदनाम हुए तो क्या नाम भी नहीं होगा, तो नाम तो हुआ, बट वो सब चलता रहता है कंट्रोवर्शियल जो थोड़ा बहुत, वो इतना बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा बिग वो था उनका जुर्म, लेकिन ये डेफिनेटली गलत है, तो इसको कोई भी सही नहीं कहेगा। वो हाँ, वो एल्विश यादव ने मारा था ना वो कोई यूट्यूबर को, हाँ, तो ही वो बन चुका है वो, एंड ही एडमिट्स कि हाँ मैं करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर उस पर कुछ बोल ही नहीं सकते। अरे ये तो कंट्रोवर्सी के बादशाह हैं, उन तो मतलब उनको तो मौका चाहिए हल्का सा कुछ हो जाए, और वो तो कंट्रोवर्सी में छाने के लिए, इट्स लाइक उनके लिए तो ड्रीम है, उनको जो भी चीज़ उनको क्लिक करती है कि मुझे करियर में बूस्ट करेगी, वो कंट्रोवर्सी में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी से निकलने वाला इंसान है। सी, जब भी वो कंट्रोवर्सी में, मैंने जितना देखा है बिग बॉस में उनको, वो एक्चुअली प्रोवोक करते हैं उनको सब लोग, तो वो प्रोवोकेशन में उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। जैसे कि सिंस आई एम अ ब्रह्म कुमारी फॉलोअर, आई विल से कि उनका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, और मेडिटेट करके पहले स्वयं पे कंट्रोल ला कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो कुछ किया है तो उसके लिए वो पढ़े हैं, तो अच्छे ही पढ़े थे जो भी था, और अभी भी जो फंसे हैं तो बहुत ही अच्छे फंसे हैं। मेरा यही कहना है कि देखिए, गलती तो हर इंसान से होती है, और क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि आप नहीं चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आपका नाम है, आप स्टार हो, तो नहीं चाहते हुए भी आप कोई ना कोई गलती कर बैठते हो। और सबसे बड़ी बात है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब अपने आप में जुर्म को कबूल करना, ये बहुत बड़ी वो एक क्वालिटी होती है। तो आई थिंक उसकी सज़ा कुछ कम करके उसे छोड़ देना चाहिए, और जो एक्सेप्ट ही नहीं करते उनको भी हमारे इंडियन जो लॉ है उसमें ही वो बाहर हो जाते हैं, फांसी की सज़ा सुनाने में सालों लग जाते हैं, जबकि पता है सारे सबूत भी है। तो कबूल कर लिया तो मुझे लगता है कुछ कम करके सजा कर देना चाहिए। हाँ, उन्होंने एडमिट किया, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किया है तो वो चीज़ें फिर प्रोसीजर जो होता है जुडिशरी, तो उसमें फिर सब जाते हैं, इस वजह से इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम। नहीं, पहले उन्होंने नहीं किया था, पहले उन्होंने जब एलिगेशन आया था उन पर तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ऑब्वियसली पुलिस है, इन्वेस्टिगेट तो करेगी, तो उनका नाम आया था तो अब वो अरेस्ट हुए हैं, तो वही है। हाँ, कबूल किया है, ये मुझे एक्चुअली न्यूज़ पता नहीं थी, बट अगर कबूल किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो कहीं भी किसी को भी मारने पीटने निकल जाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। ही हैज़ डन अ वेरी गुड थिंग वेर इन ही हैज़ एडमिटेड दैट ही वॉज डूइंग समथिंग विच वॉज रॉन्ग, बिकॉज हिज गिल्ट इन साइड वॉज टेलिंग हिम अगैन एंड अगैन दैट यू शुड रिपेंड अबाउट इट एंड सी गॉड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड दिस इज़ वॉट, और आपके अंदर आप वो कहते हैं ना कि अंदर का वो मर गया है जो अभी नहीं मरा है, जिससे ह्यूमैनिटी अभी भी एल्विस यादव ने फिर शो की है कि यस ह्यूमैनिटी इज स्टिल देयर एंड आई वाज डूइंग अ रॉन्ग थिंग फॉर विच आई एम रेडी टू रिपेंट। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम दैट ही हैज़ रियलाइज्ड इट, एंड अगर उन्होंने रियलाइज़ किया है तो ज़रूर गॉड उनका साथ देंगे। उन्होंने रॉन्ग किया है, कारमा सी समथिंग इज़ देयर, जैसे गीता में भी कहा है जो आप करोगे उसका फल तो पाओगे, तो उन्होंने कर्मा किया है, पर उन्होंने अच्छा कर्म किया कि रियलाइज़ किया है, तो उसका और उसका बैलेंस ज़रूर परमात्मा बिठाएंगे, और जो भी कुछ उन्होंने किया है वो उनका पहले का हिसाब किताब भी हो सकता है,
तो अभी उन्होंने फिनिश किया है तो परमात्मा ज़रूर उनका साथ देंगे. ऑल द बेस्ट टू हिम टू गो ऑन अ राइट पाथ. हाँ तो ठीक है ना, उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए.